The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, we are talking about white coat hypertension. So, हमें आपको बता चुके हैं पहले कि भाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेकिन आपको समझना है कि ब्लड प्रेशर एक सरी का नहीं रहता, ब्लड प्रेशर फिक्स्ड नहीं रहता, ब्लड प्रेशर वेरी करता रहता है लगातार, हर मिनट वेरी कर सकता है, हर सेकंड वेरी कर सकता है. अब हर एक सेकंड करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल जैसे समुन्दर में लहरें आती रहती हैं लेकिन हर सेकंड आएंगी जरूरी नहीं है, वैसे ही आपके ब्लड प्रेशर में लहरें आती रहती हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर उछाल मारता रहता है. अब उसके मारने का कोई कारण है? राइट, ऊपर उठने का ब्लड प्रेशर का कारण है स्टिमुलेशन. किस तरीके का? इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, कोई भी. मान लीजिए आप लेटे हुए हैं और लेटे लेटे खड़े हो बैठ गए या खड़े हो गए, तो क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर लेटे हुए ज्यादा होगा कि खड़े हुए ज्यादा होगा? खड़े हुए या डूइंग सम वर्क? सो यस, आपका ब्लड प्रेशर कायदे से खड़े हुए ज्यादा होगा. लेकिन किसी किसी का ब्लड प्रेशर खड़े हुए कम भी हो सकता है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे. लेकिन अगर आप मान लीजिए चलने लग गए, तो हमने अभी देखा ये फिजिकल एक्सर्शन से, फिजिकल एक्टिविटी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है. राइट, बिल्कुल बढ़ता है. तो फिजिकल एक्टिविटी से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और रिलैक्स होने से, मेडिटेशन करने से, डीप ब्रीदिंग करने से ब्लड प्रेशर कम होगा. तो एक इंसान एक टाइम पे डीप ब्रीदिंग कर रहा है, फिर उसको गुस्सा आ गया, गुस्से से क्या होगा? जिसको गुस्सा आ रहा है उसका ब्लड प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा. जो स्ट्रेस हो गए, जो एकदम सदमे में आ गया, उस समय ब्लड प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा? दोनों हो सकते हैं. कम हो सकता है अगर वेगल स्टिमुलेशन हो गया एकदम से, तो कभी कभी ब्लड प्रेशर कम होकर चक्कर आ जाता है. बढ़ सकता है अगर पर्सन स्ट्रेस में आ गया. हर एक स्ट्रेस में बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, धड़ 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 बढ़ जाती, दिल की धड़कन बढ़ जाती. सो ऐसे में कैसे बताएं कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर है क्या? आप बैठे हो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन डॉक्टर के सामने, सफेद कोट वाले डॉक्टर के सामने बैठ गए, सफेद कोट देखा, ब्लड प्रेशर की मशीन देखी, हे भगवान ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मेरे हाथ में कसरा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको पता नहीं ब्लड प्रेशर कितना आएगा, आएगा आएगा. उसी समय आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसी समय आपका ब्लड प्रेशर 20 से बढ़ गया. आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 130 और वो बता रहा है 150. किसी किसी का 40 से बढ़ गया, उसी समय आपका ब्लड प्रेशर 120 होना चाहिए था, उसको बता रही मशीन 160 170. आपको बोला ये तो ब्लड प्रेशर हाई है, आपको दवाई खानी पड़ेगी. अच्छा जी, लो जी दवा खाओ, घर जाके देखा तो ब्लड प्रेशर लो चक्कर आ गए. ये क्या हो रहा है? ये था व्हाइट कोट हाइपरटेंशन. उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर टेम्पररीली शूट अप करता है, टेम्पररीली आपके स्ट्रेस से, आपके एंजाइटी से, आपके रिस्पॉन्स से टेम्पररी ब्लड प्रेशर शूट अप करता है, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, डिपेंडिंग अपॉन आप रिलैक्स कब होते हो. मान लो आप बाहर डॉक्टर के एक चेंबर के सामने बैठे हो कि मेरा नंबर कब आएगा, और उसके बाद में बात आ रही है मेरे को तो बाहर भी जाना है, पता नहीं डॉक्टर क्या बोल देगा, पहले मैं क्या कम दवाई खा रहा हूँ, पहले क्या मुझे कड़वी दवाई खिलाते हैं, क्या करूं मैं, तो बैठे बैठे बाहर आपको गुस्सा भी आ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है. राइट, सो ऐसे कई सिचुएशंस है जिससे ब्लड प्रेशर वेरी करता है. इसीलिए हाउ टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर इज अ डिफरेंट थिंग. इसलिए इसी को कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, जो किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से, किसी भी प्रकार की एंजाइटी से हो सकता है. राइट, जब आप मेडिटेशन करोगे ब्लड प्रेशर कम होगा, खड़े होंगे चलोगे, फिजिकल इमोशनल लव ये सब डिक्रीज करेंगे ब्लड प्रेशर, लेकिन रिलैक्सेशन इज ऑल्सो जिससे ब्लड प्रेशर कम हो. तो ब्लड प्रेशर डायग्नोस करना है तो रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, यानी डेली देखना होगा कम से कम एक बार. और अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो नॉर्मल है, मतलब समुद्र में कोई लहरें नहीं आ रही है. और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो क्या वो समुद्र की नॉर्मल लहर है, यानी व्हाइट कोट हाइपरटेंशन है, या एक्चुअल ब्लड प्रेशर हाई रहता है? इसको देखने के लिए आपको ब्लड प्रेशर रिपीट करना होगा. हाई ब्लड प्रेशर निकलता है तो 10 मिनट 5 मिनट रिलैक्स करिए, फिर चेक करिए, 5 मिनट फिर रिलैक्स करिए, 10 मिनट रिलैक्स करिए, फिर चेक करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, फिर चेक करिए. अगर आपका ब्लड प्रेशर रिलैक्स करने से भी कम नहीं हो रहा,
तो आपको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, तो आपको एक्चुअल ब्लड प्रेशर है, और अगर आपका ब्लड प्रेशर रिलैक्स करने से कम हो गया है तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं है। रिमेंबर दीज सिंपल पॉइंट्स, राइट? तो आपको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन समझ जाएगा।